तो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। एंड आज हम लोग जा रहे हैं इस बात पे ताकि मुंबई दर्शन के लिए आए हैं, जो साउथ मुंबई दर्शन करा थे। चलो इसके अंदर चलते हैं अभी। और टिकट कैसा है, मतलब कितना कितना जगह घुमाते कैसे बोलते सब कुछ दिखाते हैं इधर। और बस को हम अपर में ही टिकट कराएंगे। अपर का टिकट शायद 150 का है। तो चलो चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को साउथ मुंबई का नज़ारा क्या क्या है, साउथ मुंबई में क्या क्या पड़ता है, उसमें क्या क्या देखने को मिलता है, सब कुछ दिखेंगे मुझे। चलो तो गाइस देखो, इधर से ऐसे चढ़ते हैं। देखो इधर मुंबई का नजारा ऐसा दिखता है पूरा, ये साउथ मुंबई पूरा घुमाएगा ये बस। तो चलो यहाँ से शुरुआत होती है जो नवी मुंबई कह सकते हो पुलावा। सब अभी आके बैठ रहे तो ये देखो पूरा व्यू ऊपर से कैसा दिखता है पूरा मुंबई। बस अभी स्टार्ट है हुए, अब इधर से शुरुआत करते हैं। कितना टिकट है भाई? 150 ना। कितना घंटे घुमाते हैं? वन आवर 50। ऐसा टिकट है, ये 150 रुपया। तो गाइस ये देखो अभी गेटवे ऑफ इंडिया में आए हैं। गेटवे ऑफ इंडिया जो कि ताज होटल के सामने है। ये देखो ये ब्रेक मारेगा, इधर से तुम उतर के घूम सकते हो। ये गेटवे ऑफ इंडिया है। और अभी ताज होटल भी देखने को मिलेगा। तो गाइस देखो ये जो G2 दिख रहा है बोर्ड आप लोगों को, इसका उद्घाटन होने वाला है अभी। तो इसीलिए ये एक रोड सजाया गया है। पूरा व्यू देख सकते हो इधर से। तो इधर बहुत स्टूडेंट लोग भी है, बहुत स्टूडेंट लोग भी लाया गया। वो शायद कुछ MP बड़े इधर मुंबई के MP आने वाला है। कौन सा MP मालूम नहीं, फिर आएंगे तो बता देंगे ना। तो गाइस देखो ये अभी स्टार्ट हो गया, वहां से अभी फिर चल रहा है। जो दिखने का जगह है उधर रुकते हैं, फिर 10 मिनट रुकते हैं, फिर दिखाते हैं। जो इधर अभी जो MP आने वाला है पूरा सजाया गया है। ये देखो ऐसा सजा, ऐसा नजारा है। स्कूल का गेट बनाया हुआ है इधर, एकदम मस्त दिखेंगे। तो ये देखो बस अभी बहुत क्राउड दिख रहा है इधर, क्योंकि ये गेट हुए जो इंडिया का फ्रंट है ये बंद किया है, जो G2 है इसका उद्घाटन के लिए। ये जो G2 देख रहे हो आप, G2 वर्ल्ड, इसका उद्घाटन के लिए पूरा बंद किया हुआ है। तो इधर से ये देखो सजाया गया, इधर से जो MP आएंगे उसके इधर से ही स्वागत करेंगे। पूरा ऐसा दिखता है, बहुत क्राउड है बाबा। बाप रे इतना क्राउड है भाई। ये है गेटवे ऑफ इंडिया। ये वनडे लोग देखो, ये ताज होटल जो 26/11 हुआ था, इधर जो कांड हुआ था इधर ही हुआ था, ये ताज होटल में। इसके लिए बहुत तो गाइस देखो इधर कितना क्राउड है। देखो इधर पूरा सजाया गया है फूलों से। इधर भी लाइटिंग है, लाइटिंग चालू है। रात को आएंगे तो देखेंगे इसे पूरा लाइटिंग लगा हुआ है इधर, जो मतलब ताज होटल है ना उसमें शाइनिंग करेगा ये लाइट।
से देख रही है समंदर। मुंबई बोलते हैं ना, मुंबई समंदर का राजा है, तो पूरी चारों तरफ समंदर है मुंबई का। तो इधर इतना क्राउड है भाई, वाह। और ये है ना देखो, उधर से ही लेक्चर देंगे जो एमपी है हमारा, उधर से लेक्चर देंगे। ये पूरा सजाया गया है, रामचंदानी मार्ग 1941 to 1965। तो गाइस ये देखो अभी क्राउड कैसा है मुंबई में। ऐसे दिखता है समंदर। तो गाइस ये तो अभी हम लोग नरीमन पॉइंट में आ गए जो कि मरीन ड्राइव है, तो सामने ही आ गए। ये देख सकते हो आप लोग, जो है ना पूरा समंदर के बीच में, बीचों बीच में चारों तरफ समुंदर ही समुंदर है। रुको जाओ, पूरा समंदर है। ये नरीमन पॉइंट जो कि मरीना भी कह सकते हो आप लोग। इधर की ओबेरॉय होटल भी है सामने, जिसमें जो 2411 में अटैक हुआ था उसमें ओबेरॉय होटल भी शामिल था। ओबेरॉय होटल में भी हुआ था।
ग्रेंडर का वीडियो बना चुका हूँ जो नाइट में कैसे लगता है, आप उठा के मेरा चैनल पर जाकर देख सकते हो। पूरा समंदर चारों तरफ खाली समंदर ही समंदर है। अलग हो जाएगा रात का। यहाँ चौपाटी पे जाना पड़ता है, गिरगांव चौपाटी बोलते हैं सामने। देखो गुलशन कॉलेज ये जो बहुत पुराना है, इसमें शूटिंग भी हुआ है, जैसे कि क्या एक शूट आउट ओडवाला है ना, ओडाला, इसमें शायद शूटिंग हुआ है। और एक जो मुन्ना भाई एमबीबीएस इसमें शूटिंग हुआ है हॉस्पिटल की तरफ है। ये हॉस्पिटल बहुत पुराना हॉस्पिटल, में इसमें जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, मिनिस्टर लोग इसमें पड़े हुए हैं। गाड़ी घूम गया भाई, आगे नहीं जाएगी, इधर से रहता हूँ। ये है वो कॉलेज जिसमें शूटिंग हुआ था मुन्ना भाई एमबीबीएस। हाँ बोलने में भाई हुआ भाई, वेलकम G20 डेलीगेट्स, ये है नाम है उल्सन कॉलेज। ये बहुत पुराना कॉलेज है।
ये देखो फैशन स्ट्रीट, तो ये देखो फैशन स्ट्रीट फैशन। इसमें थोड़ी दिन पहले आग भी लगा हुआ था जो कि मैंने वीडियो में डाला था, मेरा शॉर्ट वीडियो है इसमें। और ये भी देख सकते हो आप लोग कैसे दिखता है फैशन स्ट्रीट में। बहुत सारा कपड़ा है, बहुत सस्ते में मिल जाता है। जीन्स तो मिल जाता है 300 में, 300 में जीन्स मिलता है, शर्ट 200 में मिलता है, 150 में मिलता है। और थोड़ा आगे जाएंगे तो क्रॉफर्ड मार्केट है, ये देखो पूरा फैशन स्ट्रीट है पूरा। इसका अलग से एक वीडियो बनाएंगे ना, फिर भी देख लो जितना हो सके। अभी बीटी होके निकल गया, बस बीटी होके निकल गया। ये सामने बीटी है, बीटी स्टेशन। तो कितना क्राउड है यार। तो ये देखो पूरा बीटी का नजारा दिखता है ऐसा कुछ क्या बीटी। और ये मुंबई बियॉन्ड मुंबई महानगर पालिका जो कि म्यूनसिपालिटी है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ये है मुंबई का। ये तो बस स्टैंड, इधर से सब बस मिलता है, इधर सब बस आके खड़ा होता है लास्ट में। जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय महाराष्ट्र। ये देखो कोलाबा मार्केट, पूरा कटे का मार्केट है। ये देखो इसका हम कहते हैं आज एसएसटी सोसाइटी मुंबई स्टेट सेंटर लाइब्रेरी, इस पे कहते हैं। इधर भी लोग घूमने के लिए आते हैं, अंदर भी जा सकते हो। ये देखो उसके सामने पार्क है पूरा, लोग ऐसे बैठते हैं, इधर टाइम पास करते हैं। और ये है द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी बोल सकते हैं। मुंबई में बहुत सारे लोग इधर आते हैं, ज़्यादातर तो रात को आते हैं, कपल भी आते हैं, इधर शूटिंग वगैरह भी होता है। हाल ही में इधर कार्तिक आर्यन भी आया था। एशियाटिक सोसाइटी मुंबई, तो लोग फोटो खिंचवाते हैं यहाँ पे, अच्छा जगह है। अभी बास्केट इतना तो ख़त्म हो गया, देख लो और भी दो स्टार्ट हो रहा है इधर से। तो गाइस इसी के साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ,
तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो जितना हो सके, और ये वीडियो को पूरा फैला दो, वायरल कर दो पूरा। ये देखो यही बस में हम लोग घूमते हैं, पूरा मुंबई दर्शन कराता है, जो कि साउथ मुंबई दर्शन कराता है इसमें। और ये देखो इधर आके ख़त्म होता है और स्टार्टिंग होता है जो नवी मुंबई से। आप लोग उधर जाओ टैक्सी पकड़ो तो बोलो घूमने का बस जो ट्रेवल कराता है साउथ मुंबई दिखाता है पूरा दर्शन का था, तो मिल जाएगा, कोई भी टैक्सी वाला लेके जाएगा। तो ये देखो इधर से ये बस इधर से भी जा सकते हो। देखो ये अभी एक बस स्टार्ट होके जा रहे हैं।